अब जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया था कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके जो दो आंसर रहते हैं यानी इसकी को जो वैल्यूज रहती है, इसमें जो दो वैल्यू है एक्स की -3 और -2 वो इसमें है, यानी वो इसी वैल्यूज है जो पुट करने पर बराबर 0 आता है। तो वो जो -3 और -2 है उनका ये जो ए बी सी है 1 5 6 के साथ रिलेशन है। कौन सा रिलेशन ए बी सी के साथ? वो जो दो एक्स की वैल्यू है उनका सम इक्वल टू -3/a -b/a और उनका अगर प्रोडक्ट किया उन दो वैल्यूज का तो आंसर कितना है c/a। अब ये आप नोट करके रखना। अब बताओ जैसे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल ले रहे हैं 5m² या km² प्लस k² प्लस 2hx -4 इक्वल टू 0। अब बताओ ये स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बताओ हियर a कितना b कितना और c कितना, x² x है ना, तो बताओ आप किसे बोलते हो a b c x² के साथ वाला a, x² के साथ वाला a, x के साथ वाला b और लास्ट वाला c। तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया a b c। अब बताओ इसमें इसकी वैल्यू क्या है, कौन है x1 और x2 x का है ना, तो ले x1 एंड x2 बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब उसके हिसाब से बताओ सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द रूट्स होता है -3/a, सम ऑफ द रूट्स है ना -3/a। बताओ माइनस बी कितना है, ए कितना है, के, ये हो गया x1 + x2। और बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है, c/a, तो c कितना है -2, a कितना है k, ठीक है -4/2। तो इस तरीके से आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर m² - 7m +4 = 0 ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे a कितना, b कितना और c कितना बताओ, और उसके बाद ये m का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, लेट m1 एंड m2 x का क्वाड्रेटिक रहा तो उसके आंसर x में लिखते हैं x1 x2। ये क्वाड्रेटिक m का है, इसको सॉल्व करेंगे तो m की दो वैल्यू आती है ना, उनको क्या बोलेंगे m1 और m2। तो इसके रूट्स कौन से रूट्स हैं, तो ये x का था ना, तो x के जो आंसर रहते हैं उनको रूट्स, बस उनको x1 x2 बोलते हैं क्योंकि दो दो रहते हैं। तो ये अगर m का है इसको सॉल्व करेंगे तो m की दो वैल्यू आएगी ना, तो नाम देंगे m1 और m2। तो यहाँ पे ऐसा ही लिखना जैसा ये सॉल्व किया ना वैसा ये सॉल्व अभी तुरंत, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c कौन सा है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 4 हो गया a b c। अब क्या करेंगे, जैसे x की वैल्यू रहेगी x1 x2 तो m की वैल्यू तो m1 है, लेट m1 एंड m2 बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ हमें कौन सा फॉर्मूला बताया, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला c/a। हमेशा ऐसे ही बोला सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b/a, ऐसा याद करना, लर्निंग सेशन में आपको पूछेंगे सम ऑफ द रूट्स -b/a बताना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a बताना, ठीक है। अब बता माइनस b कितना है, -7, a कितना है 1, कितना है 7, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू से बचा। अब बताओ c कितना है 4, a कितना है 1, तो आंसर कितना है 4, तो m1 m2 वैल्यू कितनी है 4। इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर में,
अब ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो ना, उसमें एक्स स्क्वायर आता है, हाँ फाइव एक्स आता है, ये टर्म है और ये एक टर्म है, इस टर्म का पावर टू है, इस टर्म का पावर वन है, पावर को ही डिग्री बोलते हैं, तो इस टर्म की डिग्री टू है और इसकी डिग्री वन है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, होमोजीनियस है, होमो यानी सेम, तो होमोजीनियस इक्वेशन है जिसका सेम पावर रहता है, इसका पावर टू है और इसका पावर वन है, यानी ये होमोजीनियस नहीं है, हर टर्म का पावर सेम आना चाहिए, उसकी डिग्री सेम आनी चाहिए। अब बताओ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फाइव एक्स वाई, तो ये एक टर्म हो गया, तुम ये मत बोलना कि ये तीन तीन टर्म है, ये तीन तीन टर्म नहीं है, ये एक टर्म है, फाइव इंटू एक्स इंटू वाई, टर्म सेपरेट होते हैं प्लस माइनस से, एडिशन सब्ट्रैक्शन से, अभी एक टर्म हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये दो टर्म हो गए, ठीक है ना, प्लस एलेवन वाई स्क्वायर, कितने टर्म हो गए, तीन टर्म हो गए। और अब आप बताओ इन सभी टर्म में, तो बताओ एक्स और डिग्री कितने, डिग्री यानी पावर, बताओ इसका पावर टू, इसका पावर टू और इसका पावर भी टू है, कैसे, ये एक टर्म है पूरा, इस टर्म में एक्स और वाई है, तो दोनों के पावर लेने पड़ते हैं, तो कितना हो गया पावर टू, तो पावर टू पावर टू पावर टू हो गए ना, टू 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 तीन पावर, तो कहने का मतलब ऐसा है कि इसकी डिग्री टू टू टू, याद रखना पावर सेम होने चाहिए, टू टू टू। अब बताओ ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन के बारे, अगर मैं इसमें से वाई हटा रहा, अब बताओ क्या हो गया, ये पावर टू है, पावर टू के लिए इस टर्म का पावर वन है, यानी ये अभी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। अगर मैंने खेल दिया वाई क्यू और ये ऐसे कर दिए, अब बताओ कितना पावर है, हा? हर टर्म का पावर बताना, इस टर्म का पावर एक्स और वाई के देखना, बताओ वाई का पावर थ्री, इस टर्म का पावर थ्री है, इस टर्म का भी पावर थ्री है, कैसे, एक्स का टू और वाई का वन है ना, मिलके तो थ्री हो गया, और ये एक्स का वन और वाई का टू, ये भी थ्री हो गया, तो थ्री 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 सबका पावर सेम है, यानी ये होमोजीनियस। अगर मैंने इस प्रॉब्लम में अगर एक टर्म ज्यादा का लिख दिया, कौन सा, कॉन्स्टेंट, अगर मैंने कॉन्स्टेंट एक टर्म ज्यादा लिख दिया जिसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म मैंने क्या होता है जिसको एक्स वाई नहीं, वेरिएबल अटैच रहता, ये है कॉन्स्टेंट टर्म। अब कॉन्स्टेंट टर्म अगर आ गया तो पावर बिगड़ गए, यहाँ पे पावर थ्री है, टू प्लस वन थ्री थ्री, हर टर्म का पावर थ्री है, लेकिन यहाँ पे टर्म का पावर कितना है, जीरो, यहाँ पे एक्स और वाई का पावर कितना है, जीरो, और ये ट्वेल्व का मतलब क्या होता है, एक्स का देखो इसमें एक्स वाई तो है नहीं तो लगाओ एक्स का पावर जीरो यानी वन होता है, वाई का पावर जीरो यानी वन होता है, तो ट्वेल्व इंटू वन कितना होता है, ट्वेल्व होता है। बस आपको दिखने के लिए एक्स वाई दिख रहे, आपको एक्स वाई दिख भली रहे लेकिन ये है ट्वेल्व, कैसे, मैंने एक्स वाई का पावर जीरो ले लिया, एक्स का पावर जीरो का मतलब वन अच होता है ना, और वाई का पावर जीरो यानी वन अच होता है, तो ट्वेल्व इंटू वन कितना होता है, ट्वेल्व ही होता है ऐसा। तो अब बताओ कितना पावर है, थ्री थ्री थ्री, और यहाँ पे पावर कितना है, जीरो। इसलिए याद रखना कभी भी कॉन्स्टेंट टर्म रहना तो उसका पावर कितना रहता है, जीरो, क्योंकि पावर कभी भी नंबर का नहीं रहता। तुम बोलोगे सर यहाँ पे पावर जीरो थोड़ी है, ट्वेल्व का पावर तो वन है। अरे बेटा जब से बता रहे हैं कि पावर नंबर के नहीं एक्स और वाई के दिखते हैं, एक्स और वाई का पावर है टू प्लस वन थ्री, टू प्लस यहाँ पे फाइव का पावर देखा क्या हमने, फाइव का पावर नहीं देखना, एक्स और वाई का थ्री, वाई का थ्री, और यहाँ पे क्या ट्वेल्व का देखना क्या, नहीं एक्स और वाई का, सर एक्स और वाई का एच नहीं, तो एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं, तो कितना है बताओ पावर जीरो, तो थ्री 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 होमोजीनियस। लेकिन पावर एक कॉन्स्टेंट टर्म आने के कारण उसमें पावर जीरो हो जाता है, तो फिर ये होमोजीनियस नहीं रहता। अब बताओ यहाँ पे मैंने लिखा सेवन एक्स प्लस नाइन वाई, अब आप बताओ एक्स का पावर वन वाई का पावर वन, तो अभी ये क्वेश्चन ये होमोजीनियस, क्यों होमोजीनियस है, पावर सेम है, इसमें भी वन इसमें भी वन, तो ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अगर फोर लिख दिया तो अब बताओ ये कॉन्स्टेंट आ गया, और कॉन्स्टेंट का पावर जीरो रहता है, क्योंकि एक्स का पावर जीरो या फिर वाई का पावर भी जीरो। तो अब बताओ पावर एक्स का वन वाई का वन और यहाँ पे जीरो, अब ये होमोजीनियस नहीं रहा, हो
ओपनिंग इसका मतलब हर एक का पावर सेम है, तो यहाँ पे पावर वन वन है लेकिन यहाँ पे जीरो की होमोजीनियस नहीं है, इसीलिए कांस्टेंट टर्म कभी चाहिए नहीं, कांस्टेंट टर्म कभी नहीं रखना, कांस्टेंट टर्म आ गया तो होमोजीनियस रहता चाहिए, क्योंकि इनके पावर कुछ तो भी रहते हैं वन टू जो भी, और इसका पावर जीरो रहता है कांस्टेंट का, तो वो होमोजीनियस बनने ही नहीं देता। कांस्टेंट को रखो मत ना, कांस्टेंट को हटा दो, एक्स का वन वाई का वन ये है होमोजीनियस, तो इसलिए बताओ एन इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ कांस्टेंट टर्म इज अब्सेंट, स्पेशली लिख के दिया है कि कांस्टेंट टर्म बिल्कुल नहीं चाहिए, एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, डिग्री यानी पावर, हर टर्म का पावर सेम चाहिए, हर टर्म का पावर सेम चाहिए। अब आप बताओ मैंने आपको इतने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख दिए, अब बताओ सिर्फ तुम एक्स और वाई के पावर पर फोकस करना, एक्स का पावर वन है वाई का पावर वन है, तो वन वन यानी होमोजीनियस, वाई का पावर वन एक्स का भी पावर वन, कांस्टेंट टर्म अब्सेंट, बताओ कांस्टेंट टर्म अब्सेंट है ना सब में, एक्स वाई कांस्टेंट टर्म कहीं भी नहीं, और एक्स और वाई का पावर वन वन है यानी सेम है, सेम से मतलब है वो वन वन रहे टू टू रहे कि थ्री थ्री रहे, सेम आना चाहिए, वन वन है क्या, आर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री वाले इनको डिग्री वन बोलते हैं, होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन इन एक्स एंड वाई। अब बताओ हर टर्म का पावर देखना, इस टर्म का पावर पावर यानी एक्स वाई के पावर, इस टर्म में इसका पावर टू, वेरिएबल का पावर टू, इस टर्म में भी पावर टू चाहिए, एक्स वाई ये टर्म है पर एक अच्छा टर्म है ये, तो इसमें पावर टू चाहिए, एक्स और वाई दोनों को रहना पड़ता है, और यहाँ पे वाई का टू 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 तो टू 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 सेम है ना, एक्स का पावर टू यहाँ पे एक्स वाई का कितना वन वन यानी टू, ये भी टू 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 सेम है, एक्स का टू देखो एक्स और वाई वन वन टू, तो यहाँ पे सबके पावर सेम आ रहे ना, टू टू आर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दैट इज डिग्री टू इन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब यहां पे बताओ एक्स का पावर थ्री है, इसमें पावर टू और पावर वन, यहां पे भी पावर थ्री, वन प्लस टू थ्री, थ्री 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 पावर थ्री 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 यानी सेम पावर, y का 3 है, x का मान y का 2, 3 3 3 3 सेम है ना, तो क्या है कि r होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री दैट इज डिग्री 3 इन x एंड y, ठीक है। अब आप बताओ यहां पे y का पावर 1 है और x का पावर 2 है, तो यहाँ पे बताओ वाई का वन एक्स का टू पावर सेम नहीं है, यानी ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, इसमें एक्स का वन है और वाई का थ्री है, होमोजेनियस नहीं है, एक्स का वन वाई का वन हाँ सर ये जम गया ना, एक्स का वन और वाई का वन सेम है ना, लेकिन देखो कांस्टेंट टर्म है, और मैंने क्या कहा था कांस्टेंट टर्म मस्ट बी अब्सेंट, तो कांस्टेंट टर्म आ गया ना, तो फिर ये होमोजेनियस नहीं है। देखो यहाँ पे पावर टू है, एक्स और वन वन है ना, पावर टू और ये पावर वन, तो पावर टू पावर वन यानी होमोजीनियस नहीं, आर नॉट होमोजीनियस इक्वेशंस, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशंस नहीं। फिर इनको क्या बोलते हैं, देखो पावर सेम रहा तो होमोजीनियस इक्वेशन, चाहे डिग्री वन के हो, डिग्री टू के हो या डिग्री थ्री के हो, लेकिन अगर पावर सेम नहीं है होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, इनको बोलते हैं जनरल इक्वेशन, ठीक है ना, दीज आर जनरल इक्वेशंस ऑफ, आप देखो इनकी भी डिग्री रहती है, अब जनरल इक्वेशन की डिग्री यानी सबसे बड़ा पावर, बता इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, टू, तो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू, इसमें वन और थ्री सबसे बड़ा पावर थ्री, इसमें सबसे बड़ा पावर वन अच है, टू और वन तो सबसे बड़ा पावर टू रिस्पेक्टिवली इन एक्स एंड वाई, यानी दीज आर जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू थ्री वन एंड टू इन एक्स एंड वाई, ये जनरल इक्वेशंस है, जनरल इक्वेशन की भी डिग्री है, जनरल इक्वेशन की डिग्री है ने उसका सबसे बड़ा पावर, जनरल इक्वेशन से समझ जाना कि उनके सबके पावर सेम नहीं है, वो सबसे बड़ा पावर टू थ्री कुछ तो भी होगा, होमोजीनियस का मतलब क्या सबका पावर सेम है।